हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो एमएससी एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू से आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा एल्काइल्स एंड एराइल्स हैलाइड्स के ऊपर। सो इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज एंड जो हमारे पास थ्योरी है दोनों एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि इससे आपको थोड़े से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है नहीं, पर कुछ तो इससे क्वेश्चन आएंगे ही डेफिनेटली। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव होते क्या है, ठीक है। सो द एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स आर कॉमनली कॉल्ड एज एल्काइल हैलाइड्स। सो एल्काइल हैलाइड्स को हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। सो इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1X, याद रह जाएगा ना, CnH2n+1 एंड X। X इसमें हमारे पास क्या हो सकता है? कोई भी कंपाउंड या फिर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप को ये एग्जांपल कर सकता है। वैसे तो मोस्टली हैलाइड्स के लिए ही ये यूज़ होते हैं। द यूनिक फीचर ऑफ दिस कंपाउंड इज़ द प्रेजेंस ऑफ सी के साथ हमारे पास तीन बॉन्ड है एंड एक्स पोलर बॉन्ड, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हाई रिएक्टिविटी एंड मेक्स दैम मोस्ट यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस तरह का जो इसमें फंक्शनल ग्रुप या हम बोल सकते हैं कि एक अटैचमेंट ऑफ कार्बन, इस तरह की प्रेजेंस इसमें शो हो रही है, तो ये किस लिए इम्पॉर्टेंस है, इसकी इम्पॉर्टेंस है? तो इसमें सबसे पहले तो ये कि ये क्या करता है कि हाई रिएक्टिविटी इसकी शो कर देता है एंड इसको मोस्ट यूजफुल कंपाउंड बना देता है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट, राइट। दीज आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड। ओके, सो आपको पता चल गया कि एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव को भी हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड, और उसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन करता है और हमें क्या ऑब्टेन करता है, राइट। देन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को आप MSc में पढ़ोगे, फर्दर अगर आपने पढ़ना होगा, ठीक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन प्रोसीड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, ठीक है। SN1 रिएक्शन हम किसे कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट, इट्स प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन एज प्रोडक्ट विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। फिर आता है SN2, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ कंसेंट्रेशन है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करती है? ओनली सबस्ट्रेट के ऊपर। और SN2 में किस पे होती है? न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर, ठीक है। सो SN1 इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इसको हम कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर दिया गया है, ROH SOCl2 RCl+SO2+HCl। देन ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, दीज आर कॉमनली कॉल्ड हेलोफॉर्म्स। सो एग्ज़ाम में आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेलोफॉर्म्स को हम और क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। देन टेट्रा क्लोरोमिथेन, जिसे हम अनदर फॉर्म क्या है इसका, टेट्रा क्लोरो कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ठीक है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन और कार्बन डाइसल्फाइड, इट इज़ कलरलेस लिक्विड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। थ्रियोन्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीक्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर नोन एज थ्रियोन्स, ठीक है। सो इसमें से आपको पूछा जा सकता है कि थ्रियोन्स क्या होते हैं, इसी की डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एराइल हैलाइड्स, दीज आर कंपाउंड हैविंग हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग के साथ जो हमारे पास हैलोजन के एटम डायरेक्टली अटैच होंगे उनको क्या बोलते हैं हम, एराइल हैलाइड्स कहते हैं। जैसे कि ARX, आर्गोन के साथ हमने X हैलाइड फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो हमारे पास ये बन गया एराइल हैलाइड। इट रिप्रेजेंट फिनाइल, सब्सटीट्यूटेड फिनाइल और एनी अदर एराइल रिंग। नेक्स्ट इज क्लोरोटॉल्विन, क्लोरोटॉल्विन में सबसे पहले है ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन, देन मेटा क्लोरोटॉल्विन, पैरा क्लोरोटॉल्विन। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ऑर्थो मेटा पैरा प्रिपरेशन कौन सी होती है, ऑर्थो
मेटा एंड पैरा, तो ये भी क्या होगी, पैरा होगी, ये भी अर्थ होगी, मेटा पोजिशन होगी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लोरोटॉल्विन आर कलर्ड, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड देयर रिएक्शन आर सिमिलर टू क्लोरोबेंजीन। तो इसके रिएक्शन कैसे होंगे, क्लोरोबेंजीन की ही तरह होंगे। ठीक है, देन एमसीक्यू पे अगर हम फोकस करें, एक और भी है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, BHC। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे आपको एमएससी के एंट्रांस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि व्हाट इज़ BHC। तो इसका फॉर्मूला भी आ सकता है C6H6Cl6। क्लोरीन इसमें कैसे होंगे, वापस हम इसका अगर डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम हमारे पास आएगा, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो C6H6 तो कवर हो गए, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो हो सकता है आपको इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाए कि व्हाट इज़ दिस, तो आप बोल सकते हो दिस इज़ BHC, दैट स्टैंड्स फॉर बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड हैविंग फार्मूला C6H6Cl6, राइट। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेज। इट कैन एग्जिस्ट इन 8 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म, बट ओनली 7 फॉर्म्स हैव बीन आइसोलेटेड। इट अकर्स इन मैनी आइसोमेरिक फॉर्म्स, अल्फा फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल एंड इट्स पेनिट्रेशन पावर इज मोर। तो BHC हमारे पास वेरियस फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है, पर इसमें से जो मोस्ट स्टेबल है और मोस्ट कॉमनली जो यूज़ की जाती है वो है अल्फा फॉर्म, क्योंकि इसमें क्या है, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, राइट। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम फोकस करें तो पहला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ कंपाउंड ऑफ BHC इज़, तो इसका कैसा नेचर है कंपाउंड का। ऑप्शन है एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, पॉलीसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, तो ये हमारे पास एलिसाइक्लिक का बिहेवियर शो करता है BHC, राइट। फ्रियोन्स 1-2 इज डाइक्लोरो डाइस फ्लोरोमीथेन, तो ये स्टैंड करता है फ्रियोन 1-2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, राइट। देन वेस्ट्रोसोल एंड वेस्ट्रोन रिस्पेक्टिवली आर, तो ये हमारे पास नेम्स दिए गए हैं, ये किसको रिजेंबल करते हैं, सो ट्राइक्लोरो इथाइलिन को कौन करता है रिजेंबल, वेस्ट्रोसोल, एंड एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड वेस्ट्रोन हो गया। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही हम फोकस करने वाले इस लेक्चर में, तो शॉर्टेस्ट कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज इन, तो सबसे कम जो शॉर्ट लेंथ होती है कार्बन एंड क्लोरीन के बीच वो कौन सा कंपाउंड शो करता है। चार ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्लोरोबेंजीन की क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, राइट। ऑन नाइट्रेशन बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म, तो नाइट्रेशन करने के बाद हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड क्या बना देता है, मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज पीरीन, तो पीरीन को हम क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हैविंग फॉर्मूला CCl4, ओके। देन ब्यूटायरो नाइट्राइल मे बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, तो ये कैसे बनेगा, बाय हीट विद प्रोपाइल क्लोराइड विद KCN, राइट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोरीन एटम इन क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज रेजोनेंस इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो क्लोरीन एटम होता है क्लोरोबेंजीन में वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन को डायरेक्टेड करता है, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लेना एक बार। फिर आता है द रिएक्शन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1-iodobutene फ्रॉम 1-butene इज, आंसर इज डी। देन द मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द रिएक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो इसका बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट हैव अ डाइपोल मोमेंट ड्यू टू, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं होती है, द आंसर इज ए, इट्स रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 39, इन SN2 रिएक्शन ऑफ CIS3 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड विद एल्कली द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, आंसर इज बी, अ ट्रांस एल्कोहल। ऑन बींग हीटिंग विद एनिलीन एंड QH क्लोरोफॉर्म गिव्स, आंसर इज डी, एंड ऑफेंसिव स्मेल।